दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और इविल नन पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा शॉन को ढूंढ रहे थे, तभी इविल नन गुल्ली को अपने साथ पानी के अंदर ले जाती है, जिसके बाद बाबा गुल्ली और रॉड भी पानी में कूद जाते हैं। पानी के अंदर एक टनल थी, उस टनल से बाबा गुल्ली और रॉड दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर इविल नन ने गुल्ली और शॉन को पकड़ के रखा था। तभी बाबा गुल्ली और रॉड ने देखा कि इविल नन ने अपनी सुरक्षा के लिए घर के बाहर दो मॉन्स्टर रखे थे। रॉड उन दोनों मॉन्स्टर को मारने जाता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर रॉड को जोरदार चाटा मारता है। बाबा गुल्ली और रॉड छुप जाते हैं, जिसके बाद मॉन्स्टर उनको ढूंढते हुए आगे चले जाते हैं। मॉन्स्टर के जाते ही बाबा गुल्ली और रॉड इविल नन के घर के अंदर चले जाते हैं। उन तीनों ने देखा कि इविल नन गुल्ली और शॉन को पकाने वाली थी, लेकिन तभी गुल्ली बाबा और रॉड के पीछे मॉन्स्टर आ जाते हैं। मॉन्स्टर बाबा गुल्ली और रॉड को पकड़ लेते हैं। बाबा इविल नन पर हमला करते हैं, लेकिन इविल नन को कुछ भी नहीं होता क्योंकि बाबा की पावर्स इस दुनिया में काम नहीं करती। तभी इविल नन ने बाबा को जोरदार चाटा मार दिया। चाटा पड़ते ही बाबा दूर जाके गिरते हैं। अब आगे की स्टोरी। इविल नन गुल्ली को भी पकड़ लेती है। इविल नन मॉन्स्टर से कहती है, जाओ उस बाबा को लेके आ, आज मैं उस बाबा को भी पका कर खा जाऊंगी। मॉन्स्टर बाबा को भी उठा के ले आता है। बाबा ने कहा, हम सबको छोड़ दे इविल नन, वरना अच्छा नहीं होगा। इविल नन बाबा को भी बांध देती है। इविल नन ने कहा, मैं घर के अंदर से लकड़ियां लेके आती हूँ ताकि हम इस अजीब सी शक्ल वाले को भी पका सके। रॉड ने कहा, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो इविल नन। इविल नन हंसते हुए रॉड से कहती है, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको पका कर खा जाऊंगी। इतना कहने के बाद इविल नन घर के अंदर से लकड़ियां लेने चली जाती है। इविल नन के अंदर जाते ही गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा, हमें जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा, नहीं तो इविल नन हम सबको पका कर खा जाएगी। तभी रॉड मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है। दूसरा मॉन्स्टर ये देख के बहुत गुस्से में आ जाता है। वो रॉड को जोरदार मुक्का मारता है। मॉन्स्टर रॉड पे फिर से हमला करने जाता है, लेकिन तभी रॉड दूसरे मॉन्स्टर को भी फ्रीज कर देता है। बाबा ने देखा कि सामने से इविल नन आ रही थी। बाबा ने रॉड से कहा कि इविल नन आ रही है, जल्दी से छुप जाओ। रॉड दीवार के पास जाके छुप जाता है, और जैसे ही इविल नन आती है, रॉड इविल नन को भी फ्रीज कर देता है। गुल्ली ये देख के बहुत खुश हो जाता है। बाबा रॉड से कहते हैं, जल्दी से हमारी रस्सी खोल दो। रॉड गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा की रस्सी खोल देता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बुल्ली और शॉन नहीं उठते। रॉड ने कहा, मुझे लगता है इविल नन ने बुल्ली और शॉन को मार मार के बेहोश कर दिया है। रॉड ने कहा कि इविल नन और मॉन्स्टर सिर्फ 5 मिनट तक फ्रीज रहेंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहां से भागना होगा। रॉड ने कहा, हम बुल्ली और शॉन को पीठ पे उठा लेते हैं। बाबा ने कहा, ठीक है। गुल्ली और रॉड बुल्ली और शॉन को पीठ पे उठा लेते हैं। तभी इविल नन और मॉन्स्टर बर्फ तोड़ के बाहर आ जाते हैं। बाबा ने कहा, चलो जल्दी यहाँ से भागो। गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड वहाँ से भागते हैं। इविल नन और मॉन्स्टर उनका पीछा करते हैं। बाबा गुल्ली और रॉड घर के दूसरी तरफ छुप जाते हैं। रॉड ने कहा, बाबा हम वापस अपनी दुनिया में कैसे जाएंगे? गुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, उस तालाब में कूद के हम इस दुनिया में आ गए, लेकिन अब वापस हमारी दुनिया में जाने का रास्ता तो हमें पता ही नहीं है। रॉड बाबा से कहता है कि कल सुबह मुझे फिर से अपनी आइसक्रीम की दुकान खोलनी है, अगर हम वापस हमारी दुनिया में नहीं जा पाए तो मेरी आइसक्रीम की दुकान कौन खोलेगा? रॉड ने कहा, मुझे नहीं लगता अब हम वापस कभी हमारी दुनिया में जा पाएंगे। तभी बाबा पीछे मुड़ के देखते हैं। बाबा ने देखा कि मॉन्स्टर उन सबको ढूंढ रहा था। बाबा ने कहा, रॉड शांत रहो, इस तरफ मॉन्स्टर हमें ढूंढ रहा है। बाबा ने कहा, अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो मॉन्स्टर हमें पकड़ लेगा, हमें यहाँ से आगे जाना चाहिए। रॉड गुल्ली और बाबा आगे बढ़ते हैं।
आगे जाते ही बाबा ने देखा कि दूसरी तरफ से इविल नन आ रही थी। बाबा ने कहा इस तरफ से इविल नन आ रही है। रॉड और गुल्ली बहुत डर जाते हैं। रॉड ने कहा चलो बाबा जल्दी से उस तरफ चलते हैं। बाबा ने कहा अरे रॉड हम उस तरफ नहीं जा सकते, उस तरफ मॉन्स्टर हमें ढूंढ रहा है। रॉड रोते हुए बाबा से कहता है बाबा अब हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, अब इविल नन हम सबको मार देगी। तो दोस्तों क्या होगा गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड का? क्या ये लोग वापस अपनी दुनिया में जा पाएंगे या फिर इविल नन सबको पकड़ के मार देती है? ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और इविल नन पार्ट 5 में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।